बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब बॉलीवुड फिल्मी तड़का एंड टू गेट द नोटिफिकेशन इमीडिएटली प्रेस द बेल आइकन। पद्मावत कहानी है जुनून और झलकीपन की। फिल्म की शुरुआत होती है जलाउद्दीन खिलजी की बैठक से। यहाँ वह दिल्ली की सल्तनत पर राज करने की योजना बना रहे होते हैं। तभी बैठक में शुतुरमुर्ग लिए आगमन होता है जलाउद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन का। दुनिया की हर नवाब वस्तु को हासिल करने की चाह रखने वाले अलाउद्दीन अपने चाचा से उनकी बेटी महरूनिसा का हाथ मांगते हैं। इधर निकाह होता है, उधर अलाउद्दीन की दरियादिली बढ़ती जाती है। कुछ घंटों के बाद वो अपने चाचा की हत्या कर सल्तनत का राजा बन जाता है। इधर मेवाड़ के राजा महारावल रतन सिंह सिंघल देश जाते हैं, जहाँ की राजकुमारी पद्मावती से उन्हें पहली नजर में प्यार हो जाता है। कुछ दिनों के प्रेम प्रसंग के उपरांत उनकी शादी हो जाती है और महारावल पद्मावती के साथ वापस मेवाड़ आ जाते हैं। मेवाड़ में रतन सिंह के राजपुरोहित राघव चेतन को एक जुर्म में देश से निकाला दे दिया जाता है, जिसके बाद अपमान का घूट पीकर वह अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाते हैं और उनके सामने पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य की चर्चा करते हैं। हर नयाब चीज को मुट्ठी में करने वाला अलाउद्दीन रानी पद्मावती को पाने की चाह में मेवाड़ पर हमला कर देता है, लेकिन जब युद्ध से बात नहीं बनती तो वह महारावल रतन सिंह को बंधक बना दिल्ली ले आता है। वह मेवाड़ के सामने शर्त रखता है कि रानी पद्मावती से एक मुलाकात के बाद ही वह राजा को रिहा करेगा। पद्मावती को पानी की सनक उसके सर चढ़कर बोलती है, लेकिन पद्मावती का दावा है कि अलाउद्दीन को शतरानी रानी पद्मावती तो क्या उसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी। बहरहाल फिल्म के सेकेंड हाफ में रानी पद्मावती की राजनीतिक समझबूझ देखते हुए कहानी को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन फिर रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध में किसकी जीत होती है, कैसे होती है, क्या अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की एक भी झलक नसीब हो पाती है या नहीं, इसकी कहानी है पद्मावत। संजय लीला भंसाली की पिछली फिल्में देखी हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये दोहराव मिलेगा। फिल्म की पटकथा को थोड़ा और कसा जा सकता था, साथ ही किरदारों की बनावट में भी एक अधूरापन दिखता है। फिल्म में राजपूत आन बान शान का इतनी बार बखान किया गया है कि करनी सेना वाले कहीं लज्जा में जौहर ना कर ले। पद्मावत लगभग 3 घंटे की लंबी फिल्म है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 3 घंटे की लंबे समय में भी आपको किसी भी किरदार में जुड़ाव महसूस नहीं होगा। ना दुख, ना खुशी, ना अफसोस, ना प्यार, फिल्म देखकर इनमें से कोई भी भाव टिककर नहीं आ पाता। फिल्म का फर्स्ट हाफ कुछ दूरी तक तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन फिर थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, जहाँ से फिल्म को कुछ मिनटों कम किया जाता है। सेकेंड हाफ असरदार है। फिल्म में रणभूमि के सीन जिस धमाके के साथ दिखाया गया है वह अद्भुत है। खासकर फिल्म के क्लाइमेक्स को शानदार तरीके से दिखाया गया है, जब मेवाड़ की सभी औरतें रानी पद्मावती सहित जौहर करने की प्रक्रिया कर रही होती हैं तो आप दिल थाम लेते हैं। यहाँ बैकग्राउंड स्कोर इतना असरदार है जैसे आपको आगे होने वाली अनहोनी का संदेश दे रहा है। अदाकारी फिल्म में हर मुख्य किरदार को अपना अपना समय दिया गया है, जहाँ वे अपने अभिनय का जौहर दिखा सकते हैं। रानी पद्मावती के किरदार में दीपिका पादुकोण सशक्त लग रही हैं। पूरी फिल्म में पद्मावती की खूबसूरती का बखान है और दीपिका अपने चेहरे से ही नहीं बल्कि चाल ढाल से भी वह दिखाने में सफल रही हैं। वही शालीन लेकर कठोर राजा महारावल रतन सिंह के किरदार में शाहिद कपूर भी अच्छी कोशिश करते दिखे हैं, लेकिन पूरी फिल्म जिसके इर्द गिर्द घूमती है वह है अलाउद्दीन खिलजी। रणवीर सिंह ने इस किरदार को जीवित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने डायलॉग पर थोड़ी और मजबूती लानी चाहिए थी। तकनीकी पक्ष फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर शानदार रहा है और आपको भंसाली फिल्म देखने का एहसास दिलाता है। बता दें फिल्म को 3D में दिखाया गया है, जिसकी क्वालिटी और बेहतरीन की जा सकती थी। साथ ही फिल्म की लंबाई को थोड़ा और कम किया जा सकता था। सेट डिजाइन की बात करें तो यह बॉलीवुड बेहतरीन फिल्मों में शामिल हो सकती है। फिल्म की शुरुआत फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक भव्यता दिखेगी। संजय लीला भंसाली ने ही फिल्म में संगीत दिया है, देवदास हो या बाजीराव या रामलीला, संजय लीला भंसाली की जान होती है संगीत। लेकिन पद्मावत के संगीत यादगार नहीं है। घूमर तो फिल्म रिलीज से पहले ही बच्चे बच्चे की जुबा पर चढ़ चुका है, वहीं एक दिल एक जान भी कानों को सुकून देता है। खली वली गाना फिल्म में क्यों था, इसका जवाब तो शायद भंसाली ही दे पाए। बाकी गाने फिल्म में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते। देखें या ना देखें, यदि आप संजय लीला भंसाली के फिल्मों के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि फिल्म के हर सीन में भव्यता है। साथ ही दीपिका, रणवीर और शाहिद के सच्चे अभिनय को अनदेखा करना भी सही नहीं है। फिल्म के हर सीन में मेहनत की गई है और वह आपको बड़े पर्दे पर बखूबी दिखेगी। पद्मावत फिल्म को बॉलीवुड फिल्मी तड़का की तरफ से 5 में से 4 सितारे दिए जाते हैं।
बॉलीवुड फिल्मों के हर एक अपडेट जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद बॉलीवुड फिल्मी तड़का।